देश में पहली बार हरिद्वार और बनारस की तर्ज पर विश्वविख्यात धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का सन्निहित सरोवर के तट पर महाआरती हुई, जिसके घंटे और घड़ियाल सब बनारस से मंगवाए गए। जब महाआरती शुरू हुई तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जगमगा उठी और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जहां पर भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से गीता की उत्पत्ति हुई थी, उसी धरा में अब सन्निहित सरोवर पर महाआरती शुरू की गई है, जो रोजाना सायकालीन को होगी और निरंतर चलती रहेगी। महाआरती में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और बनारस की तर्ज पर विश्व विख्यात सरोवर सन्निहित सरोवर पर महाआरती शुरुआत की गई है और इससे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का पर्यटन भी बढ़ेगा। को कर्म कांड की शिक्षा देने के लिए एक वेद पाठशाला भी सभा द्वारा संचालित की जाती है। ये सन्निहित सरोवर जो है, यहाँ पर तीर्थ पुरोहित के पास दूर दूर से श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए आते हैं। गंगा और बनारस और हरिद्वार की तर्ज पर सन्निहित सरोवर की आरती भी सभा द्वारा शुरू की गई है। सभा द्वारा संचालित कुरुक्षेत्र वेद संस्कृत विद्यालय के आचार्य नरेश के नेतृत्व में शाम को वेद पाठी ब्राह्मण प्रतिदिन यहाँ संध्याकालीन आरती करते हैं। तो इनके घंटे घड़ियाल, इनका जो घंटे घड़ियाल आरती सब ये हरिद्वार की तर्ज पर बाहर से मंगवाए गए हैं और विशेष रूप से बनवाए गए हैं आरती की जो है। और इस बार ये बावन द्वादशी का मेला जो कि आज शुरू हो चुका है, बावन भगवान का मेला दो दिवसीय है, आज से शुरू हो चुका है। आज 30 सीरज की विशेष आरती की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री अशोक अरोड़ा जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री टी के शर्मा जी जो सेवानिवृत्त कमिश्नर हरियाणा सरकार रहे हैं और कुरुक्षेत्र में डीसी भी रहे हैं, उन्होंने सहपरिवार भाग लिया। बहुत अच्छी परंपरा है। पहले ब्रह्म सरोवर पर आरती शुरू हुई, अब सन्निहित सरोवर पर भी ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा ने जो आरती का आयोजन किया, अच्छी बात है। तीर्थों की मंदिरों की आरती होनी चाहिए, जिससे लोगों में श्रद्धा और बढ़ती। आज बहुत खुशी की बात है कि बावन द्वादशी की कथा के उपरांत आरती में मुझे आने का